बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी। आप हमारे इस चैनल पर सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बेहतरीन तिब्बी नुस्खाजात हासिल कर सकेंगे, रमूज़ो नुकात सीख सकेंगे और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल से आप तिब्बी इस्तफादा भी करेंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब बवासीर का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नुस्खा बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि सिर्फ दो चीज़ें आपने पंसारी की दुकान से खरीदनी है, उनको साफ करके मिक्स करना है और आपकी दुआ तैयार। ना कूटने ना का झंझट, ना पीसने का मसला, ना कुछ और करने की जरूरत, ना छानने की जरूरत। सिर्फ अद्वियात लें, साफ करें और उनको इस्तेमाल कर लें और अल्लाह ताला के फजल करम से बवासीर होने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दुआ है। मस्सों वाली बवासीर जो है वो भी इसके मुसलसल इस्तेमाल से, कुछ अरसा के मुसलसल इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको इस नुस्खा से मुतारफ करवाने और इसके फ़वाद बयान करने से पहले गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को क्लिक करें ताकि हमारा और आपका रब्ता बना रहे और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं आता हूं नुस्खा की तरफ। चंद दिन पहले मैंने एक नुस्खा बवासीर का शेयर किया था, बिल्कुल आसान नुस्खा, बहुत आला नुस्खा, लेकिन वो ज़रा बनाने में आम आदमी को थोड़ा मसला होता है। तो कुछ लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इससे भी आसान नुस्खा जो है वो शेयर होना चाहिए। ऐसे भाइयों की मुझे कई टेलीफोन कॉल्स भी आई, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, तो उनकी ख्वाहिश पर मैं ये नुस्खा आपकी खिदमत में वीडियो की सूरत में पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा सिर्फ दो अज्जा पर मुश्तमिल है। मेरे सामने प्लेटें पड़ी हुई हैं, इनमें से एक प्लेट में जो आपको नज़र ये आ रहे हैं नन्हे नन्हे से बीज, ये इसबगोल साबत है। इसको इसबगोल साबत भी कहते हैं और ये बाजार से मिलते हैं। इनको आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, बाजार से साबत इसबगोल लेके आध पाव साफ करके आप रख लें, एक प्लेट में ये रख लें। दूसरा जो आप मेरे सामने ये नन्हे नन्हे से बीज आपको नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये तारा मीरा है। तारा मीरा के ये बीज हैं, जो नन्हे नन्हे बीज आपको नजर आ रहे हैं ये तारा मीरा के बीज हैं। अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इनको कैसे दुआ बनानी है ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये जो इसबगोल है ये आपने लेना है, एक पाव फर्ज करे ले ले या आध पाव आपने लिया, जितना इसबगोल लेना है उससे आधे वजन में तारा मीरा लेना है। तारा मीरा इसबगोल अगर एक पाव है तो तारा मीरा जो है इसके बीज आध पाव, अगर इसबगोल आध पाव है तो तारा मीरा के बीज आपने 50 ग्राम लेने हैं। इनको साफ करके दोनों बीजों को मिक्स करके आपने रख लेना है, ये आपकी दुआ तैयार है। नाज़रीन आप हैरान हो रहे होंगे कि इतना आसान नुस्खा कि ना पीसने की ज़रूरत, ना इसको छानने की ज़रूरत, ना इसको कूटने की ज़रूरत। दो बीज लिए, एक पाव इसबगोल साबित लिया, आध पाव तारा मीरा लिया, तारा मीरा भी साबित रखना है। इन दोनों को साफ करके मिक्स करके किसी डब्बे में रख लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो इस तरह है, इनमें से एक चम्मच आपने, दरमियाना चम्मच, सुबह दोपहर शाम खाली पेट खाने से आधा घंटा पहले आपने पानी के साथ लेना है। इस दवाई को मुसलसल इस्तेमाल करना है और खाने से पहले इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजल करम से आप देखेंगे कि एक दो दिन में खून बंद, जो बवासीर का खून होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, अगर कम है तो बंद हो जाएगा। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से एक से दो माह इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, आप इंशाल्लाह ताला बवासीर खूनी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। इसके मुसलसल इस्तेमाल से मेदे का निज़ाम, दायमी कब्ज, इसके अलावा खुश्की गर्मी, याद रखें गर्मी खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की में पहले सबसे पहले खूनी बवासीर जो शुरू होती है वो खुश्क गर्म मिजाज में होती है। खुश्की गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो गर्मी खुश्की में तब्दील हो जाती है। इन दो सूरतों में ही बवासीर खूनी होती है।
इसके अलावा किसी सूरत में बवासीर खूनी नहीं होती। बवासीर जो बाती होती है वो खुशक और गर्म, जो खुश्क सर्द मिजाज में होती है, खुशक गर्म में नहीं होती। खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की की वजह से होने वाले जो अमराज हैं बिलखसूस दायमी कब्ज, खूनी बवासीर, उसके लिए ये मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मोतबर और मार्क अगर उसका पेश कर रहा हूँ, इसको मामूली हरगज ना जानिएगा। असाबी गुद्दी तर गर्म अफालोसरात का हमल ये नुस्खा है, तर गर्म अफालोसरात का हमल नुस्खा बनेगा। इसब गोल एक पाओ, तुखम तारा मीरा, साबत इसब गोल लेना है, छिलका नहीं लेना, और साबत जो है ये तारा मीरा लेना है, इसको बारीक नहीं पीसना। एक चम्मच सुबह दोपहर शाम, अगर सुबह दोपहर शाम खाने से किसी मरीज को कोई थोड़ी महसूस हो रही हो तलखी, तो वो इसको दो वक्त भी कर सकता है। इस दुआ के साथ आपने कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी रोजाना इस्तेमाल करना है। तेज मिर्च मसाले, खुशक गरम गरम खुश चीजें, आलू गोभी मटर बैंगन, बड़ा गोश्त पालक का इस्तेमाल नहीं करना, और सब्जियों में कद्दू टिंडे गाजर मूली इस तरह की जो गजाएं हैं वो दाल मूंग इनको इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में कुछ देसी घी का इस्तेमाल करें, देसी घी या मक्खन का जो इस्तेमाल लाजमी करें, इंशाल्लाह ताला आप बवासीर खूनी से मुकम्मल तौर पर निजात पा लेंगे। दवा जो है वो अपने आम मरीजों के लिए, जवान मरीजों के लिए एक चम्मच सुबह शाम, तकलीफ ज्यादा हो तो एक चम्मच सुबह दोपहर शाम, दुआ में की मकदार में उम्र और मरीज के वजन के मुताबिक कमी बेशी की जा सकती है। आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी और नासर हो, हम सबको तमाम जमीनी व आसमानी फातु बरियात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।